नमस्कार, वोटर बताएगा किसको जिताएगा। जनतंत्र टीवी के खास शो में आज हम बाराबंकी के दरियाबाद विधानसभा में हैं। ये दरियाबाद का मार्केट है और हम यहीं से इन्हीं के यहाँ के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर आगामी जो विधानसभा चुनाव है यहाँ की जनता किस पार्टी के किस सदस्य को यहाँ से जो है सिंहासन पर बैठाने का काम करेगी। तो आइए चलिए हमारे साथ और यहाँ की जनता से राय लेंगे और जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो आगामी चुनाव होने वाला है ये बाराबंकी का विधानसभा दरियाबाद है। दरियाबाद की जनता से ही हम बात करेंगे और उनके मुद्दे और उनकी चीज़ों को जो है टटोलने की बात करते हैं और जानेंगे उन्हीं से इनके हाथ में है ईवीएम का वो जादुई बटन और यहां से जो है किसको सिंहासन पर बैठाने का काम करेंगे। बाराबंकी के 6 विधानसभाओं में से दरियाबाद विधानसभा भी एक अहमियत रखती है और यहीं की जनता से हम जानने कोशिश करते हैं और उन्हें के मन की को टटोलने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो आने वाला विधानसभा चुनाव है यहां से जो है किस प्रत्याशी को और किस कैंडिडेट को यहां से सिंहासन बैठाने काम करेंगे। हमारे साथ में जनता है, ये बताइए क्या नाम है आपका? कृष्ण बिहारी। काम ठीक चल रहा है? हाँ चल रहा ठीक। 5 साल में कुछ बदला कि नहीं बदला? बहुत बदला है, क्या बदला? योगी सरकार में सब काम अच्छे हो रहे हैं। विधायक जी ने काम कराया? विधायक तो बहुत काम कराया, पहले से ज्यादा अक्सर आते भी यहाँ है दरियाबाद में। मैंने 10-20 चक्कर तो लगाते हैं, विधायक में कोई कमी नहीं, पार्टी भी अच्छी है। और भी चलते हैं साथ में देखते हैं। दादा क्या नाम है आपका? मकान पाठक। पाठक जी ये बताइए कि 5 साल में कुछ बदलाव हुआ देखने को मिला? जी जी। क्या बदलाव हुआ? चौमुखी विकास हुआ है माननीय विधायक जी द्वारा, योगी सरकार द्वारा। विधायक जी क्षेत्र में आते हैं? बिल्कुल, 24 घंटे हर सेवा जी। रोजगार की अगर बात करें, रोजगार पे कुछ हुआ कुछ काम? हाँ, रोजगार में जो लड़के पढ़ने लिखने में ठीक थे उसमें बिना पैसे के हुआ, दलाली मक्कारी नहीं हुई, ईमानदारी से काम हुआ जी। हुआ भी लोग हैं। सुनील श्रीवास्तव। हम तो टीचिंग का काम करते हैं और समाज सेवा भी करते हैं। अभी शिक्षक भर्ती को लेकर तमाम चल रहा था वो मामला, क्या लगता है सरकार अच्छा काम कर रही है? बिल्कुल अच्छा काम कर रही है सरकार। क्या काम कर रही है सरकार? सबका साथ सबका विकास के तर्ज पर काम कर रही है। हमेशा जो है रोजगार की बात की जाती है तो रोजगार तो है नहीं, कहीं दिखता नहीं बता रहे हैं? ऐसा नहीं दिखता नहीं है, अब रोजगार घर घर तो है नहीं, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको उनसे पूछिए बगैर पैसे का उनको रोजगार मिलता है कि नहीं मिलता है। बाराबंकी के दरियाबाद विधानसभा के टिकैत नगर क्षेत्र में खड़े और टिकैत नगर की जनता से जानेंगे कि आखिर 2022 के आने वाले विधानसभा चुनाव में यहां की जनता के क्या मुद्दे रहेंगे और किन मुद्दों पे अब की बार जो है किस कैंडिडेट के और किस पार्टी कैंडिडेट को यहां से जो है सिंहासन पर बैठाने का काम करेंगे। ये हमारे साथ टिकैत नगर की सारी जनता है और इन्हीं से जानेंगे कि आने वाले चुनाव में अब की बार किस मुद्दे पर वोट करेंगे। युवा हैं, बताइए क्या नाम है आपका? अभिषेक वर्मा। अभिषेक जी क्या काम करते हैं? मैं पेशे से फार्मासिस्ट हूँ। ये बताइए कुछ 5 साल में कितना बदलाव आया? 5 साल में बदलाव तो कुछ नहीं आया, क्योंकि मेरा जो फार्मेसी फील्ड है और मैं अपना व्यक्तिगत अगर राय देता हूँ तो मैं मेडिकल फील्ड से हूँ। फार्मासिस्ट का काम होता है दवाइयों का सप्लाई करना या मेडिसिन का डिस्पेंस करना। कोरोना काल हुआ, इतना सारा महामारी आई, लोग प्रभावित हुए, हम लोगों ने फ्रंट लाइन पर आके काम किया, लेकिन हम लोगों को कभी फ्रंट लाइन का बोला नहीं गया कि आप जो है कोरोना योद्धा हैं, ठीक है। और सन 2002 के बाद हम लोग की वैकेंसी नहीं आई है और अभी हमारे उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख के करीब फार्मासिस्ट हैं और पिछले 2002 से वैकेंसी नहीं आई। योगी सरकार कह रहे थे हमने रोजगार तो बहुत दिया। ये रोजगार दिया होगा लेकिन क्या है कि चलो भाई आप स्कूल में जो बच्चों का स्वेटर आता है आप उसको रोजगार गिना दोगे, ठीक है। मनरेगा में आपने 1,000 रुपया भेज दिया उसको आप रोजगार गिना दोगे, तो ये रोजगार हो सकते हैं लेकिन असल में जो रोजगार जो पढ़ा लिखा सरकार के कामकाज से कितना? सरकार के कामकाज से मैं ज़्यादा नहीं खुश हूँ, मैं अखिलेश यादव के कामकाज से ज़्यादा खुश हूँ। क्या वजह? वजह बस यही है कि मैं विकास युवा हूँ और युवा जो सेवा सोच। योगी जी विकास नहीं कर रहे? नहीं युवा जी। और भी जनता है हमारे साथ में, क्या नाम है? अमित कुमार मौर्य नाम है। जी क्या काम करते हैं? मैं जो है खेती है। अच्छा, तो इस बार खेती कैसी है? ठीक है, खेती बढ़िया है। सरकार की अगर हम बात करें जी, तो क्या बदलाव है पहले की सरकार में आपकी सरकार में? पहले गुंडई थी, राजनी होती थी, अब सब शांतिपूर्वक सब काम हो रहा है सही ढंग से, समय से बीज मिल रहा है, समय से। लोग अभी भी कह रहे हैं भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार कहाँ है, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, भ्रष्टाचार कभी हुआ करता था, भ्रष्टाचार सपा सरकार में भ्रष्टाचार था। 1% नहीं सहमत है। अभी आप देख लीजिए लखीमपुर में किसानों के ऊपर हत्या मतलब ठार चढ़ा दी गई, वो गुंडई नहीं है? और ब्लॉक प्रमुख देख रहे हैं आपके सब महिलाओं के चिरहरण हो रहा है उनके ऊपर, तो मुकदमा दर्ज हो तो जेल जाएंगे। कहाँ जेल गए अभी तक, क्या हुआ अभी तक? तो प्रशासन देख रहा है ना?
प्रशासन क्या देख रहा है? कुछ नहीं, प्रशासन भी सरकार की तरफ से है, कुछ नहीं हो रहा अभी भी कहीं पे। बदलाव की अगर बात करें तो कितना 1% विकास नहीं हुआ है, 1% विकास। अगर विधायक की बात करें, विधायक कुछ नहीं, आपका देख लीजिए कहाँ पे विकास हुआ है। दादा आप बुजुर्ग हैं, हाँ भैया, ये बताइए कि तमाम चुनाव देखे होंगे, तो अब के चुनाव में और पिछले आने वाले जो चुनाव आ रहा है, कितना बदलाव, क्या क्या चाह रहा है? बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ नहीं, अगर हम यहाँ की बात करें टिकैत नगर में, कितना विकास हुआ? बहुत बड़ा विकास हुआ। क्या हुआ है? सड़कें बनी, बहुत कुछ बना। जहाँ पे आप खड़े हैं ये रोड देख लीजिए आप, क्या विकास है? इससे 5 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ क्या था वो बताइए, पूछिए जनता से, यहीं पे पूछ लीजिए। बताइए, विकास तो बहुत है भाई, जैसे सबसे पहले काम तो राम मंदिर निर्माण काम चल रहा है अयोध्या में। नहीं नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट की देन है। नहीं, मोदी जी की देन है, का सुप्रीम पहले रहा, सुप्रीम कोर्ट पहले रहा पहले, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं अब तक। सपा तो समाजवादी कहती है कि जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट एकदम पूरा गुंडे ही हाथ रही पूरा एकदम। समाजवादी कहती है कि वो जो है सुप्रीम कोर्ट की देन है। कौन? मंदिर सुप्रीम कोर्ट पहले रहा भैया, लेकिन नहीं मस्जिद में विकास पे होगा। मेरे गाँव में पिछले 15 साल से पुल है शारदा नहर पे, वो टूटा हुआ पड़ा है। माननीय विधायक जी यहाँ के आए हमारे गांव में, एक महिला ने उनका हाथ पकड़ के पुल दिखाने का प्रयास किया, विधायक जी वहाँ का देखने तक नहीं गए। तो यही विकास है, इसको विकास कहेंगे? क्या बताएं, संतुष्ट नहीं है सरकार से। अच्छा, क्या संतुष्ट नहीं है? सभी बेरोजगार थे, बेरोजगार घूम रहे हैं, क्या मतलब निकला सरकार का? सरकार तो कह रही है कि सबका साथ सबका विकास। नहीं, सिर्फ ब्राह्मणों का विकास, ब्राह्मणों का साथ, बाकी किसानों का कोई विकास नहीं। किसान नौजवान कल भी बेरोजगार था, किसान कल भी परेशान था, आज भी परेशान है। कोई बदलाव नहीं हुआ? कोई बदलाव नहीं। दादा क्या काम करते हैं? हम किसानी करते हैं। किसानी करते हैं, हाँ। ये बताइए कि आपके क्षेत्र में कुछ विकास हुआ है? विकास जो हो रहा तो होते हैं। क्या संतुष्ट है विधायक जी से? अरे संतुष्ट का, परेशानी तो है, दिक्कत। क्या परेशानी है? अब कहा बताए आप सब, तुम दादा से ये पूछिए, कॉलोनी मिली है कि नहीं मिली है? ये हम लोग, कुछ बदलाव हुआ है? बहुत बड़ा बदलाव हुआ। कॉलोनी मिली कि नहीं? इतना बदलाव हुआ कि पूरे नगर में घूम लीजिए, पूरे नगर में घूम लीजिए, सब छप्पर थे, कच्चे मकान थे, आज एक भी नहीं है। और 2000 रुपये जो योगी जी भेज रहे हैं उससे गरीबों के चूल्हे जल रहे हैं, अनाज मिल रहा दोनों टाइम। इससे पहले गवर्नमेंट थी, खाली खा जाते थे, चारा भूसा जैसा अनाज आता था, कुछ नहीं था। सपा गवर्नमेंट में गुंडे ही थी, आप बोल नहीं सकते थे अपनी बात। बता रहे हैं कि अभी भी भ्रष्टाचार है? कहीं नहीं है, कुछ नहीं है। कौन कहता? योगी जी तो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं कहे? ना ना, कुछ नहीं, सवाल ही नहीं उठता। क्या नाम है आपका? रविकांत दीक्षित नाम है हमारा। दीक्षित जी, ये बताइए कि पहले की अपेक्षा, आपकी अपेक्षा में कितना बदलाव हुआ? पहले की अपेक्षा, जैसा कि अभी भाई साहब ने कहा कि हमारे विधायक जी को पुल दिखाने गए, वो विधायक जी गए नहीं मौके पर, तो हम ऐसा कह रहे हैं कि अभी तक मान लीजिए विधायक जी जो सतीश चंद शर्मा जी हैं, अभी 5 साल हुआ है उनको आए, इसके पहले जो विधायक जी थे वो 25 साल विधायक और मंत्री भी रह चुके, क्या उनको वो पुल नहीं आता? क्या उनको कार्यकाल में काम हुआ? बिल्कुल हुआ। नहीं, उनके कार्यकाल में हमारे यहाँ पुल का निर्माण तो नहीं हो पाया, लेकिन हमारे गांव में कच्ची रोड थी, आने जाने में असुविधा थी, रोड उन्होंने दी, डामर रोड उनके द्वारा हमारे यहाँ गांव में सारा रोड जो है डामरीकृत हो गया, लेकिन हाँ पुल का निर्माण नहीं हो पाया। बताइए जी, पुल का निर्माण नहीं हो पाया तो माननीय विधायक जी कुछ ऐसी सूचना है, जल्द ही पुल का निर्माण और उसका शिलान्यास होगा। और रही बात पहले की सरकार, इस सरकार में बदलाव को, तो आज़ादी से अब तक गांवों में हो या नगरों में हो, टिकैत नगर में कितना अगर रोजगार की बात करें तो क्या विधायक जी ने किया? टिकैत नगर में माननीय विधायक जी ने अभी जल्द ही बस स्टॉप पे कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन किया, तो वो निर्माण पूरा भी हो चुका है, वहाँ पे गरीब और उनको दुकानें दी गई, उनके रोजगार के लिए दी गई। कितना बदलाव देख रहे हैं? नहीं, बदलाव तो लगभग मिला जुला के सब बराबर ही है और विशेष कोई फर्क नहीं है, और बदलाव होना चाहिए। सरकार तो कह रही है सबका साथ सबका विकास की नीति। नहीं, सबका साथ सबका विकास, कुछ काम हुआ है? नहीं, काम का छुट्टा आवाज में ये हुआ है कि अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में OBC आरक्षण कितना लागू हुआ है, OBC आयोग का जो पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट बकायदा वहाँ पे चस्पा है, जो हमारा 27% आरक्षण होना चाहिए था वो 3.86 रह गया है, यही सबका साथ सबका विकास है। देखिए, इसमें आरक्षण की बात नहीं, योगी सरकार में सब कुछ निष्पक्ष हो रहा है, सबका साथ सबका विश्वास, इसमें सभी जातियों का सबका एक आरक्षण के हिसाब से काम हो रहा है। और रही बात गांवों के विकास की, तो गांव में पहले पीले ईंटे खड़िंजे सब लगते थे, इस योगी सरकार में आज इंटरलॉकिंग सड़क लग रही है, गाँव में सामुदायिक शौचालय बन रहे हैं, घर घर शौचालय बन रहे हैं।
बांध के आए हैं आप? हाँ, हम किसान हैं। विकास हुआ? विकास हुआ। शाम किसानों के लिए तो सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। किसानों के लिए शाम का जाई थे सांड रखा हुए, भैया का करी सांड से परेशान, सांड से परेशान है, जाई थे रखा हुए सांड। क्या क्या कुछ बदलाव हुआ है? हमारी उत्तर है कि शिक्षा पे काम नहीं हुआ और उसमें रोजगार पे काम नहीं हुआ, क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी टाउन आदर्श नगर पंचायत टिकैत नगर है। योगी और मोदी जी की कृपा पर 1000 आवास गरीबों को दिए जा चुके हैं। 800 से अधिक आवास अभी भी DPR हो चुका है, जिनका पैसा आने वाला है बहुत जल्दी। अब इससे बड़ा और विकास हम कुछ नहीं कह सकते। ये सब लोग कह रहे हैं, तमाम लोग, अब ये युवा है, कह रहे रोजगार की बात नहीं, यहाँ रोजगार की बात कर रहे हैं, आवास से काम नहीं चलेगा बता रहे हैं। रोजगार कैसा रोजगार चाहिए? आवास से काम नहीं चलेगा। रोजगार इतना आया है जिसका कोई शुमार ही नहीं रहा। आप बताइए, आशा बहुओं को योगी जी ने कितना पैसा बढ़ा दिया, और कितना जो है आंगनबाड़ियों को बढ़ा दिया, कितना चौकीदार को बढ़ा दिया, कितना जो है संविदा रोजगार कहाँ है? मुद्दे पे वोट करें, किन मुद्दों पे? रोजगार, विकास के मुद्दे पे वोट होगा। आप थोड़ा टिकैत नगर से 500 मीटर आगे बढ़िए, ग्राम दुर्जनपुर पड़ता है। आज 4-5 साल से हो गया, ठीक है, एक खड़ंजे को लेके हमने विधायक से 500 बार कहा, जी भाई करेंगे, जी भाई करेंगे, आश्वासन दिया। टिकैत नगर से आप 500 मीटर दूर है, चल के देख लीजिए, ना एक नाली है, ना एक खड़ंजा है, ना एक आवास है, आपको चल के दिखा दीजिए। विकास के मुद्दे पे बात होगा। अगर रोजगार की बात करें तो हमारे यहाँ विधायक जी ने, माननीय विधायक जो मौजूदा विधायक हैं, उन्होंने एक वादा किया था और शपथ पूर्वक वादा किया था कि हम अब जमीना में आएंगे तो भुइयारे बाबा से जमीना, अब जब ये बनगावा रोड तक खड़ंजा का निर्माण होगा, तब से तीनों बार उनसे पूछा गया गाँव में, उन्होंने कहा हो जाएगा, हमारे ही कार्यकाल में होगा, और उन्होंने इस चीज का शपथ ली थी कि हम इस खड़ंजा का निर्माण करेंगे, वो आज तक नहीं हुआ, तो इसे हम उनसे किस तरह से? अगर विकास जिनको विकास नहीं दिखता है, जिनको विकास नहीं दिखता है, वो गांव में जाके विकास देख लें, कैसे सामुदायिक केंद्र बनाए गए हैं, कैसे बारात घर बनाए गए हैं। जिनको विकास नहीं दिखता है वो घाघरा नदी के बंधे पर जाकर देखें कैसे रोड बनी है। धन पैदा करते हैं 110 बीघा के काश्तकार हैं यार। हम अगर कहते हैं एक नहीं 3 बार ऑनलाइन कराए हैं और हमारा धान नहीं तोलेगा किसी सोसाइटी पे कल्लू कबाड़ी कहने का रास मिल तक, मैं हम धान जैनी ना हो तो धान मेरा नहीं बिक पाएगा, धान चूहा खा जाएंगे, मैं ये कहता हूँ। 50 किलो की बोरी, 50 किलो की बोरी 45 किलो कर दी, मोदी ने कहा पैसा कम कर दिया, भ्रष्टाचार पैदा कर दिया, कुछ नहीं पैसा। कुल मिला के सबकी अपनी अपनी राय है, और इस समय हम नगर पंचायत टिकैत नगर में, बाराबंकी में वैसे तो 6 विधानसभाएं हैं, लेकिन दरियाबाद विधानसभा भी अपने आप में एक इतिहास बटोरे हुए है। हम इस समय दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोटवा सड़क चौराहे पे हैं। ये हमारे साथ में यहाँ की जनता है और जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारा एक शो चल रहा है, वोटर बताएगा किसको जिताया के माध्यम से हम जो है उन्हीं से चर्चा करते हैं जिनके हाथ में EVM का वो जादुई बटन है, और यहाँ से वो तय करते हैं कि आखिर सिंहासन पर किसको बैठाने का काम करेंगे। तमाम राजनीतिक पार्टियाँ जो है अपने अपने दावे कर रही हैं, रैलियाँ निकाली जा रही हैं, जनसभाएं की जा रही हैं, लेकिन युवाओं के मन में और क्षेत्र की जनता के मन में क्या है वही हम टटोलने की कोशिश कर रहे हैं और जानते हैं इन्हीं से। क्या नाम है भाई साहब आपका? राणा नफीस सिद्दीकी। पाँच साल में जी क्या कुछ बदलाव आया है? कुछ नहीं बदलाव है, कोई बदलाव नहीं, पांच काम भी नहीं किए। और दरियाबाद विधानसभा जैसे कि तैसे थी, 2012 से 17 तक काम हुए दरियाबाद विधान, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ, और पूरे उत्तर प्रदेश में भी कोई पांच काम नहीं किए हैं कि मतलब पुराने शिलान्यास कर रहे हैं, अखिलेश यादव द्वारा बनाए गए जो शिलान्यास हुए थे वही शिलान्यास का शिलान्यास हो रहा है। सरकार तो कह रही है सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास नहीं है इसमें, पचपाच जातवाद, हिंदू मुस्लिम यही है बस इनका कैडर, और कोई नहीं है इनके साथ। अच्छा, ये बताया जाता है क्या काम करते हैं आप? हम होटल चलाते हैं भैया। अच्छा, तो कारोबार अच्छे से चल रहा है? नहीं तो हमारा इस समय तो नहीं चल रहा है। क्योंकि क्या दिक्कत आ रही है? हमको दिक्कत आ रही है, हमने इनकी सरकार में 500 रुपया जो है नोट जब चली थी तो उसमें 400 रुपया हमारी नोट 500 रुपये मल्ले में ली गई और उसको मतलब 400 रुपया हमको दिया गया। इस तरह के हमारे विधानसभा की अगर बात करें तो कुछ काम विधायक जी ने कराया? विधायक जी ने इतना काम कराया है कि हिंदू मुस्लिम में
जो है मतलब मतभेद हुआ है और कोई काम नहीं कराया है इन्होंने। क्या लगता है आपको इन 5 सालों में विधायक जी को कौन से काम कराने चाहिए जरूरी है? इनको इनको जरूरी ये था कि हर 20 किलोमीटर 2000 रुपये न दे करके मतलब हर 20 किलोमीटर पे एक फैक्ट्री लगा देते और उसमें जो मजदूर थे वो काम करते। ये हमारी बहुत अच्छी सोच थी। जी रोजगार की अगर बात करें रोजगार में कुछ हुआ है यहाँ पे? 5 सालों के BSC AG किए बैठे हैं, आज तक कोई रोजगार नहीं लेने, कोई भर्ती आती क्लियर नहीं होती बस। तो सरकार से आप खुश नहीं? सरकार से हम बस यही उम्मीद रखे हैं कि अखिलेश यादव जी आए और हम लोग कुछ भी रोजगार मिले। योगी जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? योगी जी अच्छा काम करते तो हम अखिलेश यादव को क्यों सपोर्ट करते? योगी जी तो बता रहे हैं भाई गरीबों को जो है राशन बांट रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। कुछ नहीं बटा है, वो 5 किलो अनाज बट रहा है उसमें क्या सर? भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए कि क्या नाम है आपका? अवधेश चौधरी। चौधरी जी ये बताइए क्या काम करते हैं पहले? मैं व्यापार करता हूँ, खेती करता हूँ और मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करता हूँ। व्यापार की अगर बात करें तो व्यापार के लिए तो सरकार जो है बहुत अच्छे कदम उठा रही है। बिल्कुल नहीं, ये सरकार जब से आई है ये नोटबंदी करके GST लागू करके लगातार व्यापारियों की पूरी दुर्दशा कर दी है। आज के समय में पूरा व्यापारी जो है कर्ज के तले दब गया है, बगैर बताए लोग घरों में खुद को कैद करके जो है आत्महत्या कर ले रहे हैं, कर्ज के नीचे बिल्कुल दबा हुआ है। बेरोजगार युवा साण ये लगातार रोड पे घूम रहे हैं। इस बार आपकी बार क्या मुद्दे रहेंगे आपके? हमारा मुद्दा किस मुद्दे पे वोट करेंगे? विकास, विकास, रोजगार और तमाम फैक्ट्रियां खुलवाई जाए, महंगाई कम की जाए, क्योंकि भाजपा सरकार में लगातार महंगाई बढ़ रही है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री आए थे बाराबंकी, 2500 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास भी हुआ है आपके दरियाबाद, उसमें क्या कुछ काम दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा, इनका काम सिर्फ पेपरों में दिख रहा है, न्यूज पेपरों में दिख रहा है, होर्डिंग में दिख रहा है, जमीन पे कुछ नहीं है। किसान लगातार परेशान है साण से और लड़के नए युवा लगातार कोई वैकेंसी नहीं, कोई रोजगार नहीं, सिर्फ लखनऊ नोएडा में सिर्फ होर्डिंग लगवाई जा रही है, 4.5 लाख रोजगार दिए हैं, रोजगार जमीन स्तर पे कहीं कुछ नहीं है, हर व्यक्ति परेशान है। इसलिए भगवा डाले हुए हैं। हाँ भैया, क्या है इसका कहना? किसका कहना है? अरे ये भगवा डाले, ये भगवा का हमारा कहने का मतलब है जब से योगी सरकार हुई तो बहुत बड़ा उत्थान हुआ है, गरीब जनता खुश है, कम से कम जो जिंदगी में क्षेत्र में कितना विकास हुआ? क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। विधायक जी ने करवाया काम कुछ है? विधायक जी ने कुछ काम करा? हाँ, रोडे सही है, सारे काम सही हो रहे हैं। इस बार फिर आप 5 साल बाद एक आपको मौका मिलने जा रहा है, किस मुद्दे पे आपकी बात वोट करेंगे? मुद्दे में विकास की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, विकास का हम लोग सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे। क्षेत्र में ऐसे कोई काम बताइए कि क्या विकास हुआ है क्षेत्र में? सारे हमारे सारे नहीं, एक विकास बताइए। रोड बनी है, दूसरी बात सब गरीब योजना, गरीब वो पहले से बनी हुई रोड, गरीब मनाए के खाते में 2000 रुपये साल में। बिल्कुल नहीं, जहाँ पर गड्ढा मुक्त की होर्डिंग लगी है, जहाँ पर गड्ढा मुक्त की होर्डिंग, विकास सुनिएगा, विकास सुनिए, नगर पंचायत बनवाया गया राम सनेही घाट को, ठीक है, बस स्टैंड बनवाया गया, स्टेडियम बनवाया गया, सारी सेवाएं दे रही है सरकार, ठीक है, और सरकार ही फिर से आएगी BJP। किस लिए कैसे आएगी? विकास कर रही है, बता रहे रोजगार विकास पे आएगी, विकास करे, रोजगार का कोई मुहैया नहीं, रोजगार मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, कोई विकास। सफदरगंज से दरियाबार रोड इतनी बेकार हो गई, लोग रोज एक्सीडेंट होते हैं। जय श्री राम। योगी सरकार को हमारा भी जो है वायु वर्ष लग जाए, सब खुशहाल रहे, लेकिन ऐसा नेता मोदी सरकार को हम लोग बराबर तो युवा बता रहे धरातल पे काम ने बहुत काम कर रहे। अभी अभी चला था गड्ढा मुक्त अभियान, आप सामने कैमरा कीजिए, अभी आप गड्ढा मुक्त अभियान का रिजल्ट देख लेंगे। इतना आप देखिए, आप क्या दिखाना नहीं दिखाना, क्या गड्ढा मुक्त बराबर है? लेवल पर चले जाइए, इस रोड से सिद्धौ रोड पर दरियाबाद, इतना रोड, इतना एक्सीडेंट हो रहा है, इतने युवा बेरोड, इतना साढ़ मर रहा है इस गड्ढा मुक्त से। इस बार क्या मुद्दे? इस बार मुद्दा रहेगा सिर्फ सपा का, ओनली सपा, क्योंकि विकास अच्छा काम कर रही है। हाँ बिल्कुल कर रही है, अगर विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, तो आपको सोच समझ कर ही बटन दबाना। तो योगी सरकार नहीं काम कर रही है यार? काम बिल्कुल कर रही है और करेगी। हाँ क्षेत्र में कितना? क्षेत्र में विकास बहुत हुआ है, काफी विकास हुआ है। योगी एक चीज दे रही, अपाहिज बना रही है, राशन देकर 2000 रुपए तीसरे मंथ देकर अपाहिज बन रही। और भाई साहब क्या है, सुबह उठो, चारपाई पर से भगो, क्या है चारपाई से लाठी लो, डंडा लो, भगो, साढ़ खेत चल रहा है, क्या किया जाए? रोजगार दिया, घर घर नौकरी दे दी, हर एक बच्चा हाथ में डंडा लिए साढ़ खेत रहा है, इससे अच्छी नौकरी क्या मिलेगी?
है सरकार गरीब जनता के लिए कर रही है, ठीक है। राशन गरीब आदमी के लिए बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, बाकी कोई नहीं है। तेल 200 रुपए किलो को तेल हो गया सरसों का तेल, और 5 किलो अनाज देते हैं 200 रुपए किलो तेल लेते हैं, ये भी नहीं मिल रही है किसानों को। अरे आइए सुनिए सुनिए, यहाँ पे जो है आप ये बात कर रहे हैं कि गाय सांड गाय, हाँ वैलील गाय सांड से किसान त्रस्त है, लेकिन ऐसी सरकार जो है मस्त है अपने आप में, और कहती कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। आप सिलेंडर की महंगाई देख लो कहाँ छू रही है, डीजल पेट्रोल के दाम दुगने हो गए हैं, लोगों की कमाई आधी हो गई है और लेकिन महंगाई दुगने पर चली गई है। चाहे डीजल का, चाहे किसानों का मुद्दा हो और चाहे नौजवानों का मुद्दा हो, चाहे गरीबों का मुद्दा हो, सभी लोग इस सरकार से त्रस्त है। 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी और इनको उखाड़ फेंकने के लिए पूरी प्रदेश की जनता पूरी तरह से तैयार है कि 2022 में उखाड़ फेंकेगी। सबके अपने अपने मुद्दे हैं, अपने अपने चीजें हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसको लेकर बाराबंकी की दरियाबाद विधानसभा की जनता क्या सोचती है और किस मुद्दे पर अबकी बार वोट करेगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।